धरती। हम धरती पे रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम धरती के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोचने लगे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप नहीं जानते। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जान पाए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप धरती के बारे में नहीं जानते। नंबर वन, हमें स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो होते हैं असल में 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड और 91.6 मिली सेकेंड्स। आपको नहीं पता होगा कि एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। और यही नहीं, हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, पर असल में वो 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो इसलिए हर 4 साल के अंदर एक दिन बन जाता है और वो उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। फैक्ट नंबर टू, इस सोलर सिस्टम में धरती एक अकेला प्लैनेट है जिसका नाम किसी रोमन गॉड के ऊपर नहीं पड़ा है। फैक्ट नंबर थ्री, हमें स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है कि धरती के चक्कर से चांद भी काटते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरती के चक्कर दो और एस्टेरॉइड्स काट लगाते हैं, हमें ऐसा लगता है उनके नाम है 3753 क्रूज और 2002 AA29, वो भी धरती के चक्कर काटते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर वो असल में सूरज के चक्कर काट रहे होते हैं। फैक्ट नंबर फोर, जो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लावा की वजह से होता है। फैक्ट नंबर फाइव, जो अगर धरती के पास अगर चांद नहीं होता तो एक दिन बस 6 से 7 घंटे का ही होता। फैक्ट नंबर सिक्स, हर सेंचुरी में धरती के जो दिन है वो 1.6 मिली सेकेंड की स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, और ये सब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। फैक्ट नंबर सेवन, अच्छे लगा जो धरती के सेंटर उससे सबसे ज़्यादा दूर कौन से माउंटेन की पीक होगी। आप सारे जने कहोगे माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो है माउंट चिमाराजो। ये धरती के जो सेंटर उससे सबसे ज़्यादा दूर है, ये इक्वेटर में है। आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो यही है माउंट चिमाराजो। फैक्ट नंबर एट, जो बादल होते हैं वो असल में जिंदा होते हैं, वो अपने आप से आसमान में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट वो ऐसे कहते हैं कि ये सब जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से है, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो अपने आप से ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ प्लेन या फिर चिड़िया ही कर सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।